हे गाइस, तो मैं हूं अनुपमा। वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY Queen। तो मैं लेके आई हूं ये अपना एक सेकंड क्या मैं लेके आई हूं। तो गाइस, हम लेकर आए हैं और मैं हूं सपना भाटी। आप लोग मुझे तो जानते ही हो। तो हम लेके आए हैं ये बैग। अब इस बैग के अंदर क्या है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। बट मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हाँ, बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। उसी होप में मैं हमेशा अपने कोई नहीं तू क्या कह रही है? अबे चल, बकवास कर रही है। चीज तो हंसा रही है वो, जिसने मैंने छोटी बच्ची थी ना। तो गाइस, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बैग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है या फिर इस बैग के अंदर क्या क्या है। नहीं रे बाबा, तू जबरदस्ती सुचवा रही है रे हमको। तो हम लड़कियों को कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा अपने साथ कैरी करनी ही चाहिए। तो इस बैग के अंदर है वही 10 चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे आप एक ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर आप कॉलेज जाते हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो। तो ये चीजें आपको हमेशा अपने बैग में जरूर कैरी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सनल यूजेस के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले जो हमें अपने बैग में रखना ही चाहिए वो है मास्क, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमेशा तैयार व्यार होते हैं और निकल जाते हैं ऐसे ही बाहर। कोई जाके इसकी मम्मी को ये बात बताए ना, तैयार होके बस ऐसे ही निकल जाती है ये, हैं? पर अभी भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे मास्क मैंडेटरी है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट। तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बहुत लोग को मास्क लगाना पसंद नहीं है तो ऐसा फैंसी टाइप का मास्क ले सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे होता है ना कि वैसे हम भी स्टाइलिश कपड़े पहन के जाते हैं, कहीं पे घूम रहे हैं तो मन करता है यार ऐसे मास्क लगाने का, ना ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो नहीं लगाना हमें। तो हम इस टाइप के चैन वाले फैंसी मास्क ले सकते हैं जो लगाने के बाद भी स्टाइलिश लगेंगे और आप मतलब कहीं गिराओगे भी नहीं इनको, क्योंकि ईजिली हमारे यहीं पे स्टक हो जाएंगे। और तो और मास्क हमें पॉल्यूशन से भी बहुत प्रोटेक्शन देता है। तो यार मास्क रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सा है, बैग में अट जाएगा, रख लो यार, क्या ही जा रहा है। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है सैनिटाइजर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी किट के लिए, क्योंकि अब हम इधर उधर हाथ लगाते हैं, फिर उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं या फिर अपने फेस को टच करते हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। इसीलिए और मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसा ना किट रख लो, क्या बोलते हैं इसको, किचन किट रख लो। हाँ, मतलब वही कि ऐसा एक कवर ले लो आप भी, जिससे कि आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने बैग में ऐसे हाथ डाल के सैनिटाइजर को ढूंढने के लिए। और आजकल तो ऐसे मार्केट में क्यूट क्यूट से बहुत आते हैं। फिर आपको ऐसे खोलो, इसको ऐसे लगाओ, ओ, और बस अपने हाथ सैनिटाइज करके खाओ पियो मौज लो। अब जो प्रोडक्ट हमारे बैग में होना चाहिए वो है टेंट, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सजना सवरना हमारा तो जन्म से अधिकार है गाइस, है ना। ओवरऑल मेकअप लुक दे देता है फोर्सली, तो आपको ज़्यादा मेकअप का सामान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी इतना स्पेस होता नहीं है कि आप पूरा ही मेकअप का सामान अपने बैग में रख लो, तो ये एक ओवरऑल लुक दे सकता है आपको। और हाँ, जैसे आप कभी कहीं जा रहे हो और फिर भूल गए कि यार अब क्या करें, आपको अच्छा प्रेजेंटेबल भी दिखना है, तो आप इसको लिप्स पे लगा लो, इसी को चीक्स पे लगा लो, इसी से आई शेडो भी बना लो, और हो गया आपका नो मेकअप लुक तैयार। तो गाइज, अब है हमारे पास कॉम्पैक्ट, जो कि मुझे लगता है हर एक लड़की को अपने बैग में रखना ही चाहिए, क्योंकि यार इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा पसीना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। मैं और इसको कॉम्पैक्ट की नहीं, परफ्यूम की भी ज़रूरत है। क्यों? तभी तेरे से इतनी स्मेल आ रही है, तब पसीना आता है ना यार। इसको क्यों, क्या कह रही है? अबे चल, बकवास कर रही है। एकदम सच बोल रही है अनुपमा, पहली बार बहुत बदबू आती है यार इससे। तो गाइस, हमारे और मैं एक कहानी बताती हूँ, मतलब ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कहानी बताऊंगी तो, बट व्हाटएवर। मैं जब छोटी बच्ची थी ना, तभी मैं अपने बैग में, आई मीन छोटी, अभी ये जैसे बहुत बड़ी बच्ची हो गई है। हाँ, आई एम 23 गाइस। तो ठीक है, जब मैं छोटी थी तभी मैं अपने बैग में कॉम्पैक्ट पाउडर लेके जाती थी, और मेरी मैडम ने ना मेरा बैग चेक किया और मुझे क्लास से निकाल दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, मतलब इतने छोटे पे कौन मेकअप करता है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए आपको अपने बैग में कॉम्पैक्ट पाउडर तो रखना ही चाहिए, ताकि आप क्विक टचअप कर सको। हाँ, और स्कूल में भी लेके जाएंगे ताकि हमारी भी मैडम हमें पीट दे, है ना। और नेक्स्ट जो हमारे बैग में है वो है बैंडेड, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये गिरती पड़ती रहती है ना, मतलब ऐसे किया हल्का सा भी गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी इसको। ऐसा नहीं यार, मैं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हूँ ना, तो मैं बहुत खेलती रहती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा गिरती हूँ। क्या ये दिलों से खेलती है? अपने काम बता रही है यहाँ, सारे अपने काम। तो कभी कभी हम लोग बहुत टाइट शूज़ पहन लेते हैं, जिससे हमें शूज़ बाइट हो जाता है, तो उसमें भी ये बैंडेज हमारी बहुत हेल्प करता है, बहुत रिलैक्स देता है। तो ये रखो अपने बैग में, जरूर रखो। पहले तो ये डिसाइड करो हैं 10 आइटम बोला था और 56 आइटम दिखा चुकी है दोनों लड़कियां। ए बाबा रे, कोई इनको गिनती सिखाए रे, गिनती। तो गाइस फिर से गाइस ये सपना को प्रॉब्लम क्या है, इतना गाइस गाइस बोलती है ना कि मैं बता रही हूँ सारी लड़कियों को भी ये गाइस ही बना देगी गाइस गाइस बोल के। अब बारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम की, जो कि एक लड़की के बैग में होना ही चाहिए, जो कि है सैनिटरी पैड। क्योंकि अब आपको बताइए कि कभी भी डेट आ जाती है तो हमें किसी के पास जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार मांगा है कि यार तेरे पास पैड है क्या, तो मेरे पास हमेशा मेरे बैग में एक पैड जरूर होता है, तो जिससे आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी दूसरे को भी आपसे हेल्प चाहिए होगी तो आप इजीली हेल्प भी कर सकते हो। और हाँ, मेक श्योर कि आप, अगर आपकी डेट नियर बाय है तो आप अपने बैग में एक पैंटी भी कैरी करो, क्योंकि अगर आपको पीरियड्स हो गए और सपोज करो कि आपकी पैंटी गंदी हो गई तो आप इजीली उसको भी यूज कर सकते हो। और एक और चीज, हमेशा पैड के साथ आप एक डिस्पोजेबल बैग भी रखोगे। अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक पेपर भी रख सकते हो, मतलब ये एक छोटा सा पीस है पेपर का जो कि आप इजीली, मतलब एक मतलब ये इसको पढ़ भी लेगी रास्ते में, अगर बोर हो रही होगी चल ठीक है यार कुछ पढ़ लेती हूँ मैं, ये करती ना तू इसको सब पता है, मतलब ठीक है। आई एम द स्मार्ट वन। मेरी टॉपिक से भटका दिया तुमने, मैं क्या बता रही थी? पेपर। हाँ, तो ये पेपर आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा और आप इसमें रैप अप करके थोड़ा एक हाइजीन भी मेंटेन आप कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, तो मेक श्योर टू कीप अ पैड इन योर बैग। और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे बैग में होनी चाहिए वो है परफ्यूम। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मैं हमेशा लगा के रखती हूँ गाइस परफ्यूम, ये पर्सनल हाइजीन में आता है, मैं वो मेंटेन करती हूँ हमेशा। हाँ, लगाती तो है लेकिन पसीने से मिक्स होके इसका परफ्यूम एक घातक इत्तर बनाता है गाइस, और वो इत्तर ऐसा महकता है। बट मुझे लगता है कि आप इस परफ्यूम को एज अ पेपर स्प्रे भी यूज कर सकते हो। जैसे आप लड़कियां बाहर जाती हैं, बहुत से लड़के कभी आपको छेड़ते हैं तो आप इनको ऐसे अपने बैग से निकाल के उनकी आंखों में छेड़ इसने हाँ, तो आप इनको आंखों में छिड़क दोगे तो ये वुमेन सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है गाइस। वुमेन सिक्योरिटी का तो ठीक है मैडम, लेकिन एक बात बताइए, हम जैसे लड़कों को आप जैसी लड़कियों से कौन बचाएगा? तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए परफ्यूम, यार ये चीज तो 10,000 है, मुझे हंसी आ रही है। शांत हो जाएगी। बहुत से लड़के सपना को छेड़ते गाइस, मुझे बहुत से लड़के छेड़ते हैं ऑब्वियसली। एक सच बता, नुक्कड़ के लड़कों को 5-5 रुपए दे के जबरदस्ती अपने आप को छुड़वाती है। तो गाइस, अब जो नेक्स्ट आइटम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने अपने हाथ में लेके रखा है, जो कि है पेन। क्योंकि डिजिटल इंडिया है, वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा पेन और कॉपी की, बट मुझे लगता है जैसे हम तो सेलिब्रिटी लोग हैं, कभी किसी ने ऑटोग्राफ मांग लिया तो बैग में से पेन निकाल के दे देंगे ना यार। किसी ने मांगा नहीं आज तक, बट उसी होप में मैं हमेशा अपने कोई नहीं लग गया इन्हें भी वो इंस्टाग्राम वाला कीड़ा। लगता है सपना दीदी अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती है। उसी होप में मैं अपने बैग में हमेशा पेन कैरी करती हूँ। इसलिए कैरी करना चाहिए क्योंकि कभी हमें बैंक जाना हो, कभी कुछ फॉर्म फिल करना हो तो फिर आप उससे कर सकते हो, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और ऑल्सो हमें एक नोट भी रखना चाहिए जिसमें कि जैसे इसने बताया कि डिजिटल इंडिया चल रहा है तो कभी कभी हमारे फ़ोन ऑफ हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नंबर, मतलब के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हमारी उस नोटबुक में हमेशा लिखे होने चाहिए, जिससे कि अगर हमारा फ़ोन ऑफ हो जाए या फिर कभी अनफॉर्चुनेटली खो जाए तो हम अपने उस नोटबुक में से नंबर देख के अपने किसी रिलेटिव को, अपने मम्मी पापा या किसी को भी फ़ोन कर लें। क्योंकि ज़्यादातर आजकल ना हम नंबर याद नहीं रख पाते, क्योंकि यू नो डिजिटल इंडिया गाइस। कितनी मुझे तो याद है यार, वैसे मुझे नहीं, पर फिर भी रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मेरी तरह ना छोटे ना लंबे बाल हैं, तो वो है स्क्रंची। ये हमारे, जैसे कि हम कभी ऐसे बाल खोल के जाते हैं तो हमारी तो सिर्फ लोप होने हो पाती है, तो हम इसको टाई अप करके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। और अनु दीदी इतना थक क्यों रही हो? हाँ ठीक है। और उसके साथ साथ हमें एक कॉम भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे इसने बताया कि कभी कभी हम अपने बाल ऐसे ही खोल के चले जाते हैं, तो अगर हमें कभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़े तो हम इजीली अपने बालों को ऐसे कॉम करके, रबर बैंड लगा के और अच्छे से अपना एक अच्छा सा लुक करके जा सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट आइटम है जो हमारी किट में होना ही चाहिए वो है ये सेफ्टी पिन। अब आप बोलोगे कि दीदी ये क्यों रखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? याद आया, ये वही लड़की है जो बस और मेट्रो में सीट पाने के लिए सब लोगों को पिन चुभाती है। तो मैं बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर गए और अनफॉर्चुनेटली हमारा कपड़ा किसी भी चीज़ में अटक के फट गया, तो हम उसको ईजिली 2 मिनट में वॉशरूम में जाके इससे फिक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अपने बैग में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये रखना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा याद आया मुझे, ये तेरे साथ एक बार हुआ था ना? हाँ मेरे साथ होता रहता है, क्योंकि मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ तो मेरी चीज़ें कटती फटती रहती है, इसलिए मैं और मैंने तुझे सेफ्टी पिन दिया, इसीलिए इसको आइडिया आ गया कि सेफ्टी पिन रखना जरूरी है, पर ये बहुत जरूरी है तो आप रखना ही। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे बैग में होनी चाहिए, लाइक जिसकी ड्राई स्किन है उसके बैग में तो होनी चाहिए, वो है लोशन। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक की भी होनी चाहिए, मतलब नथिंग लाइक कि ड्राई स्किन या ऑयली स्किन सबको ही रखना चाहिए मुझे। पर ड्राई स्किन वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन रूखी हो जाती है, तो लोशन तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो बहुत ही गंदा दिखता है। अभी सब पीछे बोल रहे थे खुरदुरी, क्या बोल रहे थे अभी 2 मिनट में समझ रहे वो खुरदुरी हो जाती है। हाँ तो जिसकी स्किन खुरदुरी हो जाती है वो तो सही भी खुरदुरी लोशन रखें। और मुझे लगता है कि लोशन के साथ साथ आपको हमेशा अपने बैग में एक फेस वॉश भी रखना ही चाहिए, क्योंकि बाहर इतना डर्ट और पॉल्यूशन होता है, और हमें अगर कभी लगे कि यार बहुत चिपचिपा लग रहा है फेस, तो हम फटाफट से अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लें। और पता है ये ड्राई स्किन क्यों करती हूँ कि इसकी ड्राई स्किन है ना, इसलिए ज़्यादा रो रही थी। मैंने बता दिया कि मेरी ड्राई स्किन है। अच्छा मैं इस पर ध्यान नहीं देती ना मैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस ये थी कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हर लड़की के बैग में होनी ही चाहिए। एंड ऑल्सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इन सब में से कौन सा आइटम अपने बैग में ऐड करने वाले हो। और हाँ ये भी ज़रूर बताना कि आगे हम कौन से टॉपिक पे वीडियोस लेकर आए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत पसंद आई हो या फिर हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर कर देना गाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।